رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल. इन द टुडेज़ वीडियो आई विल गाइड यू अबाउट हाउ टू राइट डाउन द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 2. कोटेशन फॉर टुडे इज सेल दिस लाइफ फॉर द नेक्स्ट एंड यू विन बोथ ऑफ देम. सेल द नेक्स्ट लाइफ फॉर दिस एंड यू lose both of them. Starting from question number 1, define what is meant by vectors. Give 5 examples of each. Also, with the help of an example, explain the graphical representation of a vector. Dear students, इस question में सबसे पहले आपने definition लिखनी है vectors की, जो कि आपको page number 25 वेक्टर टॉपिक में आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी. आपने स्टार्ट करना है दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन अप टिल आल्सो कॉल्ड द डायरेक्शनल क्वांटिटीज. उसके बाद आपने एग्जांपल्स लिखनी है वेक्टर्स की. 5 एग्जांपल्स आपकी बुक में भी गिवन है. आप चाहो तो इसके अलावा भी आप वेक्टर्स के एग्जांपल्स लिख सकते हो. और उसके बाद जो इसका थर्ड स्टेप है, उसमें आपने एक्सप्लेन करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. ये भी आपकी बुक में गिवन है ऑन द पेज नंबर 26, फोर्थ पैराग्राफ. स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड अप टिल एंड पॉइंट इज यूजुअली कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर. डियर स्टूडेंट्स, इसमें जिस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है गिव 5 एग्जांपल ऑफ ईच, ये उस सिचुएशन में हम ईच से मुराद इसमें अगर तो आप डिफाइन करो स्केलर्स और वेक्टर्स को, तब आपके पास 5 एग्जांपल स्केलर्स की होंगी और 5 एग्जांपल्स वेक्टर की होंगी. तो या तो आप इसके क्वेश्चन में स्टार्ट में अमेंडमेंट कर सकते हो डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और फिर आपने 5 एग्जांपल्स ईच लिखनी है. या अगर आप जस्ट इसमें वेक्टर्स को डिफाइन करते हो देन इसका जो सेकंड पार्ट होगा गिव 5 एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स, फिर उसमें ईच का वर्ड जो है वो हम यूज नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन इन डिटेल वेदर फॉर 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इट पॉसिबल टू गिव अ रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड. Justify your answer mathematically. Question में हमें बताया गया है कि हमने इस चीज़ को प्रूव करना है कि अगर हमारे पास 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हों और अगर हम उनको ऐड करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो उनका रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी उन इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो. सो यस, it is possible if the angle between these vectors of equal magnitude is 120 degree. और इस चीज़ को आप mathematically prove कर सकते हो by solving example 2.3 which is given on the page number 36 of your book. Question number 3 is, what does rectangular components of a vector mean? Explain addition of vectors by rectangular components. So first of all, define the rectangular components of a vector. The parts of a vector resolved into vertical and horizontal vector are rectangular components, and the rectangular components are perpendicular to each other. और इसके बाद आपने addition of vectors को explain करना है by the rectangular components method से. और इसका आंसर आपको आपकी बुक के पेज नंबर 32, 33 अप टिल 34 तक मिल जाएगा. आपने सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है. कंसिडर 2 वेक्टर्स ए एंड बी टिल द एंड ऑफ द पेज ऑफ पेज नंबर 34. और इसमें आपने फिगर्स भी ड्रॉ करनी है विच आर गिवन ऑन दीज पेजेस.
फिगर 2.13 एंड 2.14. क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन ऑन द पेज नंबर 37. You have to write down the complete topic 2.7.1 along with the figure 2.19. Question number 5 is explain vector product of two vectors. Is question ka answer bhi aapke book mein page number 37 aur 38 pe given hai. Isme bhi aapne complete topic likhna hai 2.7.2 along with the figure 2.20. Find torque. Explain why it is equal to the vector product of force and moment arm. First of all, you have to write down the definition of torque, which is given on the page number 38. Last paragraph, the turning effect increases up till force is called torque or moment of force. Plus, page number 39, ka first paragraph, magnitude of force अप टिल फलक्रम और पिवट. उसके बाद टॉर्क इट इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड मोमेंट आर्म. इस पार्ट का आंसर आपको पेज नंबर 39 अप टिल पेज नंबर 40 तक मिलेगा. सेकंड पैराग्राफ से आपने स्टार्ट करना है. टॉर्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ अप टिल द एसआई यूनिट फॉर टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर. सो ये तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का. और इसमें भी आपने डायग्राम स्टोर करनी है जो कि पेज नंबर 39 पे गिवन है. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द सॉल्यूशन स्टेप्स ऑफ एन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम. इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बुक में अवेलेबल नहीं है. आप चाहें तो इस वीडियो से इस क्वेश्चन के आंसर की हेल्प ले सकते हैं. The following steps may be taken while solving a numerical problem of equilibrium. First step is study the problem very carefully and identify all the forces acting on the body. Second point, draw a clear diagram and show all forces acting on the body. Point number 3, mark all the forces as F1, F2, so on. Number 4, find all the angles theta 1, theta 2, theta 3, etc. Point number 5, resolve all forces into their respective x and y components. Point number 6, add all x and y components of the identical forces as sum of all the forces acting along the x-axis and sum of all the forces acting along the y-axis. Point number 7, apply the conditions for equilibrium, which is the sum of all the forces acting along the x-axis must be equals to 0, sum of all the forces acting along the y-axis must be equals to 0, and the sum of all the torque acting on the body will be equal to 0. And the last step is solve the above equations for the required unknown quantities. So these are the 8 steps which you have to follow while solving a numerical problem related to the equilibrium. That's all for today. Thank you so much. I hope all of you have enjoyed today's lecture. For any kind of queries, you can write on your question in the comment section given below. See you in the next video with the next part of the exercise. Till then, take care and Allah Hafiz.